20,000 रुपया लेकर उम्र में इधर उधर करके वर्तमान कर देता है। सिवान जिले से एक तस्वीर सामने आई है जिसने बिहार में शराबबंदी के दाव की फोल खोल कर रख दी है। जी हाँ, जिस बिहार में सरकार के साथ साथ प्रशासन शराबबंदी को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो उसी बिहार के सिवान में नशे में धुत एक होमगार्ड के जवान ने जिस तरह से बीच सड़क पर हंगामा किया, वो सभी दाव की पोल खोलने के लिए काफी है। बता दें कि नशे में धुत होमगार्ड के जवान ने इस दौरान अपने ही डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर काफी बड़े बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। विद्यालाल यादव नामक होमगार्ड के जवान ने जिले के होमगार्ड विभाग के अधिकारियों पर पैसे लेकर रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का आरोप लगाया है। होमगार्ड जवान विद्यालाल यादव के मुताबिक होमगार्ड कार्यालय में एक साल रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने को लेकर उससे 20,000 रुपए की मांग की गई है। माना जा रहा है कि विद्यालाल यादव इस बात से उखड़ गया और शराब पीकर सारी सच्चाई खुलेआम बता दी। ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि जो आरोप होमगार्ड के जवान द्वारा विभाग के अधिकारियों पर लगाए गए हैं, उनकी जांच होगी या फिर ठंडे बस्ते में एक जवान के आरोपों को ऐसे ही डाल दिया जाएगा। साथ ही बिहार में शराबबंदी की पोल एक बार फिर खुल गई है। मीडिया लेकर उम्र में इधर उधर करके वर्तमान कर देता है। हम 2084 का बहाल है तो मेरा जो है कि 2025 में रुका ना आपको नहीं कर रहा है सही है। हम क्या कर 2025 में हमको रिटायर करना है तो हम कभी 17% यहाँ घुसखोरी चल रहा है। हमारे क्या कर 10,000 20,000 मेहराना पुल पर हम कई बार बोल दिए हैं कि एक बार हमको वहाँ मौका दिया जाए। आप उस लायक नहीं है, उस लायक हम नहीं है तो यहाँ रुपया देकर तू मेहराना पुल पर भेजा दे रहा है। एकदम डिटो भेजी गुड्डू ओली हसन दिने विकारबा दद यही सोच इस विभाग को जो है कि इधर से उधर करके रुपया ला है तो उसको रुपया ले तो इधर से उधर कर दिया है। हम लोग रुपया नहीं दिए हैं तो हमको हम के लिए से बहुत कहा ना भरा विद्यालाल जादू।